कासिम बना दिया उनको। मेरे आका ने फरमाया मुझे अल्लाह रिस्क देता है, मैं आगे तकसीम करता हूँ। अब शेर का मजा लीजिएगा। रब ने कासिम बना दिया उनको, हर खासा मेरे मशवरा नहीं। अब आप मशवरा कर लें और जो मशवरे में तय हो जाए, जो कुछ भलाई और खैर होती है, आप याद करें, मशवरा करें कि यार शेर पे आपने सुभान अल्लाह कहनी है, यही कहनी। अब देखिएगा, हफ्सा आयशा खदीजा सहरा, हफ्सा आयशा खदीजा पेश करते हैं, वो जगह अम्मी हफ्सा की जाली जगह। शेर देखिएगा हजरत, आयशा रोड पे ये शेर पड़ा,
और वहां तो मंजर ही कुछ और था, पता नहीं आप क्या इंसाफ करेंगे, अगले शेर में पता लग जाएगा, अगली लाइन जब पढ़ूंगा। मैंने कहा हमसे क्यों झगड़ते हो, सिद्दीक अकबर और फारूक आजम को हुजूर के पहलू में सुलाया है, हमने सुलाया है, ये शान उनको अल्लाह ने दिया है और हुजूर के सदके मिला है। अब मैं अगर तशरीह करूंगा तो ज्यादा मजा नहीं आएगा, बल्कि मैं शेर में सुनाता हूँ, ठीक है ना, मैं शेर पढ़ता हूँ पूरा, और मैं बाद में उस बंदे की ज़ियारत कर लूंगा जिसने ये मतलब ये हजम कर गया ना बोल पाया, ज्यादा सख्त बात नहीं करता, ठीक है, मैं बाद में मिल लूंगा उसको, यार इतना बड़ा शेर उसने हजम कैसे किया, ज़ियारत को मुझे करा फिर अपनी। शेर समाज फरमाइए, फरिश्ते भी दाद देंगे, कसूर नहीं हो सकता, सीना दिल से सहारा नाल भरा होवे, इमाद सुरूर नहीं हो सकता, अल्लाह नबी दी जमात ने मन चुराए, कभी चेहरे से दूर नहीं हो सकता, यारा को यारी गुलाम मिल गई है, यारा को यारी जुदा मिल गई है, यारा को यारी जुदा मिल गई है, निगाह है दूर किया कि मैं आपकी आवाज सुनूं, लेकिन आप खामोश हो गए हैं। बू बकर और उमर है रोजे में, और ये सुना मोबाइल भेज दिया तो डिलीट करके बेचेंगे, लेकिन वो वीडियो कभी नहीं डिलीट होगी, वो तो हशर तक रहेगी। ये सुना शेर देखिएगा, रात मैंने ये शेर नहीं पढ़ा था, अब यहाँ जरूरी समझता हूँ पढ़ना। सानी में बोले बट साहब की हो बात ना बोले, कुरान की बात है तो फिर वाजिब है दाद दी जाए, सारी असी ने इस कुरान से साबित है, सामने से होगा फिलहाल तो सियासियों के नारे लगाते हैं बड़े बड़े,
प्रत्याशियों के नारे मैं और आप लगाते रहते हैं, क्यों ना सहाबा के नारे लगाएं कि जन्नत जागीर है सहाबा की, जिन्होंने जिनके नारे मैं और आप आज लगाएंगे कल कयामत के दिन उन्होंने मुझे और आपको तन्हा नहीं छोड़ना, अपने साथ जन्नत में लेके जाएंगे। तो हाथ उठा के कहिए हमारे मेहमान कश्मीर से हजरत मौलाना तसद्दुक साहब मुफ्ती साजिद साहब तशरीफ ला रहे हैं। मसूद माशाल्लाह हमारे मेहमान तशरीफ ला चुके हैं और हम खूबसूरत महफिल में खूबसूरत लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। सुनिएगा हजरा, देख हसनो हुसैन का चेहरा, ठिकाना मेरे हुजूर का है, दीवाना मेरे हुजूर का है, ठिकाना मेरे हुजूर का है, दीवाना मेरे हुजूर का है, सिखाना मेरे हुजूर का है, बताना मेरे हुजूर का है। ये रदीफ चल के आ रहा है, काफी रदीफ ही आ रहा है। अब शेर का मजा लीजिएगा, देख हसनो हुसैन का चेहरा। मेरे आकर सलाम जब दुनिया से तशरीफ लेके पर्दा फरमाया गया तो सहाबा इकराम हसनैन करीमैन को बिठा के उनकी ज़ियारत किया करते थे, चूंकि इनकी शक्लें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी मिलती थी। सुनिएगा अब शेर देखिएगा, मैं मुख्तसर कर लेता हूँ, अपने बयान करेंगे थोड़ी देर, उसके बाद उन्होंने सफर करना है। सुनिएगा हजरत, मेरे पैगंबर की ज़ात खुशबू, खुशबू वाले बैठे हैं ना, खुशबू वाले अकीदे की बात कर रहा हूँ, दूसरी लाइन पे मैंने देख लेना है और बंदा मुझे नजर आएगा जिसका हाथ नीचे रह गया, अकीदा पढ़ रहा हूँ। मेरे पैगंबर की ज़ात खुशबू, मेरे पैगंबर की बात खुशबू है, मेरे पैगंबर की ज़ात खुशबू, मेरे पैगंबर की बात खुशबू, मेरे पैगंबर की ज़ात खुशबू, बढ़ाएं आवाज माइक की, मेरे पैगंबर की ज़ात खुशबू, मेरे पैगंबर की बात खुशबू, हर बंदा साथ वाले को जन्म लड़क पर जवानी खुशबू, जन्म लड़क पर जवानी खुशबू, जन्म लड़क पर जवानी खुशबू, नबी की सारी हयात खुशबू, जन्म लड़क पर जवानी खुशबू, नबी की सारी हयात खुशबू, जहां जहां मेरे आका के वो शहर हो, देहात हो, वो कोई भी जगह हो, सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, कदम बार कर मेरे नबी के जहां जहां तो सुन रहे हैं,
हो गलियां खुशबू उनकी बात कर रहा हूँ सुनिएगा। फिर इजाजत दो मैं यूं कहूं वो यार खुश हट सुभान अल्लाह उतनी ऊंची आप सुबह यार खुशबूार खुशबू यार खुशबूार खुशबू यार खुशबूार खुशबू सारी गुजरत की लाल खुशबू यार खुशबूार खुशबू सारी हिजरत की लाल खुशबू। बरसात रात वाला शेर आ गया है। अब इस शेर पे आपने पांच दफा सुभान अल्लाह कहनी, कितनी दफा? पांच दफा। और हर दफा जो शेर मैं हर लफ्ज पढ़ूंगा उसके बाद आपकी सुभान अल्लाह बढ़ दी जाएगी। रात मैंने गिरजा रोड पे कहा कि आपकी सुभान अल्लाह कम है, वो वीडियो बनाई है दोस्तों ने। एक बंदा मजमे से खड़े होकर आके उसने मिंबर पे कान पकड़ लिए। उन्होंने कहा मैं ऐसे आपके सुभान अल्लाह इधर कोई काम न करे, लेकिन अगर गल सच्ची हो तो फिर सीने ने जोर लाके सुभान अल्लाह कहनी है। मैं गल के ना दी कर रहे हैं तवज्जो। सिद्दीक यार इस पास बंदे नहीं बोलते या पता नहीं मेरे कान में कोई मसला है। इस बार इस पास सुबह तो इस पास कौन आके सुभान अल्लाह पहली रात रोशन हो जाएगी। शेर देखिएगा। खुदा की मर्जी से सैयदा आयशा बनी है नबी की दुल्हन। खुदा की मर्जी से सैयदा आयशा बनी है नबी की दुल्हन। निकाह भी खुशबू सोच बोल के निकाह भी खुशबू
आगे खुशबू बे आगे खुशबू आगे खुशबू बे आगे खुशबू बड़ा भी खुशबू बड़ा भी खुशबू आगे खुशबू बे आगे खुशबू बड़ा भी खुशबू बड़ा भी खुशबू और इजाजत सुनिएगा हजरात नबी का जिक्र में खुदा का जिक्र है नबी का जिक्र में खुदा का जिक्र है नबी की बात भी खुदा की बात है नबी का जिक्र में खुदा का जिक्र है नबी शादी की महफिल कराई और मुझे बुलाया वहां मैंने ये कलाम पढ़ा था उन्होंने कहा था पूरा का लेकिन मैंने दो शेर पढ़ दिए आखिरी बात करके आपसे इजाजत चाहता हूँ सुनिएगा हजरत जो मखसूस है जिस हवाले से मैं और आप बैठे हैं वो ये है कि रब दे यार दया
कासिम सिद्दीकी। रब दे यार सिद्दीकी, मैं अपनी हाजिरी के बिल्कुल करीब पहुंच गया हूं। दो मिसरे, रब दे सिद्दीकी, रब से सिद्दीक पे हाथ उठाए ताकि कयामत के दर गवाही बने कि सिद्दीक के नौकर और गुलाम बैठे हैं। रब दे यार दयार सिद्दीक, रब दे यार दयार सिद्दीक, अल्लाह तेरे हर सिद्दीक के नाम पे उठाए कभी मोहताज न हो। रब दे यार दयार सिद्दीक, रब दे। जितने लोग सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला के नाम पे बोल रहे हैं, दाद दे रहे हैं,
अगर आपको शरीक न करूं इस शेर के अंदर तो ज्यादती है, सुनिएगा, और शायर के साथ ज्यादती है जिसने ये कलाम लिखा, बुजुर्ग शायर झनका कहता है, दोज़ख का कोई खौफ नहीं असमत दो। सारी दुनिया दोज़ख से डरती है लेकिन वो कहता है दोज़ख का कोई खौफ नहीं असमत दो। सिद्धि